बाबा जी, इस फिल्म आदि पुरुष के विषय में आपका क्या विचार है? देखिए, आदि पुरुष रामायण की उदाहरण पर बनाई गई, जैसा कि उसके निर्माता, निर्देशक, लेखक सबने प्रचार किया जी भारतीय जनमानस में कि यह एक रामायण पर आधारित फिल्म है जी। और लोग, भारतीय जनमानस बड़े अधीरता से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि कुछ नया हमको मिलेगा देखने के लिए, रामायण का कुछ एक नया स्वरूप मिलेगा देखने के लिए जी। लेकिन ऐसे विद्रूप स्वरूप में ये फिल्म आएगी, इसकी कल्पना किसी ने की नहीं थी। देखिए, भगवान राम जो है जी, भारत की सांस्कृतिक चेतना के ही राष्ट्रपुरुष नहीं हाँ। ये विश्व वैश्विक महापुरुष है भगवान राम जी। रामलीला विश्व के अनेक देशों में खेली जाती है, सबका रूप भले अलग अलग हो जी, लेकिन मूल व्यवस्था में कोई अंतर नहीं किया गया है जी। और राम केवल हिंदू धर्म के नहीं है, आप देखिए इंडोनेशिया में रामलीला खेली जाती है, पूर्णतः मुस्लिम देश है जी। और जितनी प्रतिष्ठा भारतीय जनमानस, हिंदू जनमानस में राम की है, उतनी ही प्रतिष्ठा मुस्लिम जनमानस भी भगवान राम की करता है जी। जी, बदली हुई परिस्थितियों में बात नहीं करता, लेकिन प्रसिद्ध शायर अल्लामा इकबाल ने भी भगवान राम को इमाम हिंद कहा है। मतलब भारत की कल्पना ही नहीं की जा सकती भगवान राम के बिना जी। ऐसे भगवान राम के चित्रण का, इतना चरित्र का इतना विद्रूप चित्रण जी जो किया गया, वो एक अक्षम्य अपराध है भारतीय हिंदू जनमानस के प्रति, भारत राष्ट्र के प्रति अक्षम्य अपराध की श्रेणी में ये आता है जी। और जिस तरह के संवाद, जिस तरह की पटकथा, जिस तरह का चित्रांकन जी इस फिल्म में किया गया, इस चलचित्र में किया गया, वो कहीं भी राम कथा से प्रेरित नहीं लगता। यह केवल और केवल निर्माता, निर्देशक और उसके शोध समिति जो उसकी रही होगी जी, उसका अहंकार है। तो बाबा जी, इसमें जो लेखक ने भी इसमें काफी गलतियां की हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं भी मनोज शुक्ला जी, जो मनोज मुंशी लिखते हैं जी, और दुर्भाग्य से वो अवध क्षेत्र के निवासी हैं, मैं इसे दुर्भाग्य कहूंगा। अच्छा, कि अवध क्षेत्र का जो निवासी हो वो राम कथा के विषय में न जानता हो, राम के मूल चरित्र के विषय में न जानता हो, हनुमान जी के विषय में न जानता हो, और उस पर अहंकार की भाषा यह है कि यह वाल्मीकि रामायण से प्रेरित है जी। अहंकार की भाषा यह है कि दादी नानी से प्रेरित। अच्छा, और उनके अहंकार को हमने समय समय पर देखा है। उन्होंने उर्दू के महान शायर गालिब में भी गलतियां निकाल दी थी, अब रामायण में गलतियां निकाल दी कि हमने जो किया वो सही किया, यह अहंकार की भाषा है। मनोज मुंशी का जो चेहरा है वो राष्ट्रवादी है जी, हिंदूवादी है जी, लेकिन क्या राष्ट्रवादी हिंदूवादी चेहरे से हमें यही अपेक्षा थी? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप ध्यान से देखें जी कि उन्होंने चालाकी बरती है जी, चालाकी बरती है। एक तरफ वो कहते हैं कि हनुमान प्रमोशन में, कि हनुमान जी के लिए एक सीट खाली रहेगी, हिंदू जनमानस को आकर्षित करने के लिए भगवान हनुमान जी को तिलक करते हुए, और दूसरी तरफ हनुमान जी को सड़क छाप बिल्कुल दिखा दिया उन्होंने, बिल्कुल सड़क छाप दिखते हैं हनुमान जी। अब आप ध्यान से देखें कि हनुमान जी जैसा चरित्र जो ज्ञानिनामा गृगणियम सकल गुण निधान राम धीशम, हम कह के जिनकी उपासना करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं जी, ऐसे हनुमान जी के विषय में, ऐसे हनुमान जी के मुंह से उन्होंने ऐसे संवाद करवाए जो सड़क पर, जो सड़क छाप असभ्य लोग हैं, गुंडे मवाली हैं, उनकी भाषा उनके मुंह से वो कहवा रहे हैं। हनुमान जी केवल एक राम कथा के किरदार ही नहीं है, करोड़ों भारतीयों के आराध्य भी हैं। अब आप कैसे ब्राह्मण हो? आप तो ब्राह्मण हो भाई लेखक जी, कैसे ब्राह्मण हो? ब्राह्मण तो धर्म में जीता, धर्म में मरता, उसके रक्त में धर्म प्रवाहित होता। और आपने अपनी दादी नानी को भी साम दिया उसी में कि हमारी दादी नानी ने ऐसी ही राम कथा सुनाई कि उसमें रावण के 10 सिर ऊपर 5 सिर नीचे रहते थे। आपने ऐसा दिखा दिया हनुमान जी चमड़े का
वस्त्र पहनते थे, आपकी दादी रानी ने ही बताया था आपको। अरे कम से कम उस पीढ़ी की सभ्यता और पूर्वजों को तो सुरक्षित रखो, उनके मान सम्मान को मत बेचो। मनोज जी आपको क्या समझ में आता है, हमारे यहां खलनायक नहीं है रावण, रावण भी राम कथा के प्रतिनायक हैं, उनका भी एक अपना चरित्र है, वेदों के विद्वान हैं, तपस्वी हैं, ब्राह्मण उत्तम कुल कुलस्थ करनाती, अब वो चमगादड़ पे चल रहे हैं। दुनिया का उस समय का सबसे सर्वश्रेष्ठ विमान पुष्पक विमान रावण का वाहन था। रावण को हम अपमानित नहीं करते, उनके कृत्यों को हम अपमानित करते हैं। रावण की विद्वता का आज भी सम्मान है, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में रावण का शिव तांडव स्तोत्र आज भी पढ़ा जाता है, ये रावण की विद्वता का सम्मान है। हमने कार्यों का अपमान और सम्मान किया है, हमने कभी किसी चरित्र का अपमान सम्मान नहीं किया, और आपने रावण को भी सड़क छाप बना दिया, पाइथन मसाज देते हुए दिखा दिया, एकदम मुगलिया टाइप बना दिया कि जैसे कोई हूं मंगोल आक्रमणकारी हो, उस तरह का गेटअप आपने बना दिया। रावण का भी एक अपना चरित्र है, आपने किसी के साथ न्याय नहीं किया। आप क्या चाहते हो भाई, किस रूप में एक तरफ भगवान राम का सदियों से प्रतीक्षित भव्य मंदिर बन रहा है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया, आप अवध क्षेत्र के रहने वाले हो मनोज जी, आपको मालूम होना चाहिए कितना बलिदान हुआ। देश विदेश से पर्यटक आ रहे हैं राम मंदिर को बनते हुए देखने, आने वाले समय में और भी बढ़ने की संभावना है। क्या ऐसे समय में ऐसी फिल्म को, भगवान राम के इतने विद्रूप रूप को प्रस्तुत करना आपके लिए ठीक था? क्या आप राम के ऐसे ही चरित्र को युवाओं में प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसके पास कोई नैतिक बल नहीं है, जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है? समझ जाइए, सुधर जाइए। देखिए, चाहे वो कोई भी फिल्म निर्माता हो, कोई भी लेखक निर्देशक हो, मैं बार बार कहता आया हूं कि सनातन धर्म के प्रतीकों के साथ मजाक मत कीजिए। आप पैसा कमाइए, बहुत से विषय है पैसा कमाने के लिए, लेकिन सनातन धर्म के प्रतीकों के साथ अगर मजाक हुआ तो इसका दुष्परिणाम सबको भोगना पड़ेगा। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं, और सबसे बड़ी गलती सेंसर बोर्ड की देता हूं, कि सेंसर बोर्ड में बैठे हुए लोग आज क्या राम कथा से अनभिज्ञ लोग सेंसर बोर्ड में बैठे हुए हैं? उनको राम कथा का ज्ञान नहीं? आज सत्ता प्रतिष्ठान जय श्री राम के उद्घोष पर बल देता है, राम राज्य पर बल देता है, क्या सत्ता प्रतिष्ठान के लोगों ने नहीं देखा इसको? मैं सरकार से अपील करता हूं, भारत सरकार से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस फिल्म पर बैन लगाएं। और समस्त राम भक्तों से मेरा निवेदन है, पूरे भारतवर्ष में जहां फैले हों, हर जिले में एक मुकदमा होना चाहिए इसके निर्माता निर्देशक और लेखक पर, इसकी शोध समिति पर, ताकि आज के बाद कोई हिम्मत न कर सके भगवान राम के ऐसे विद्रूप स्वरूप को, राम कथा के ऐसे विनाशक चित्रण को करने का हिम्मत न हो किसी का। इन्हीं शब्दों के साथ अब आक्रोश अधिक आता है, आ रहा है, कुछ ऐसा भी हो सकता है जो समीचीन न हो मुंह से निकल जाए, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ हरि को प्रणाम, हर को प्रणाम, सबको प्रणाम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम।